नमस्कार, मैं अंशुल शुक्ला अविरल टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में जमीनी अभियान के साथ हवाई हमले भी बढ़ा दिए हैं। उत्तरी दक्षिणी गाजा पट्टी को जोड़ने वाले हाईवे पर भी टैंक तैनात हैं। गाजा पर दो तरफा हमला जारी है। वहीं लेबनान में हिजबुल और सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी समूह के ठिकानों पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नेशनल यूनिटी डे समारोह में भाग लिया और नर्मदा नदी के किनारे बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देश के पहले गृह मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल देश भर में करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें सुहागिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला उपवास रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और रात में चांद देखकर वह व्रत खोलती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज सुबह लखनऊ में पटेल स्मारक हजरतगंज से एकता दौड़ केडी सिंह स्टेडियम तक शुरू हुई। पटेल स्मारक के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को रवाना किया। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज शेयर बाजार में हरे निशान पर शुरुआत हुई। अच्छे वैश्विक संकेतों के चलते प्रमुख इंडेक्स हरे निशान पर कारोबार करते दिखे। बॉलीवुड एक्टर ग्लोबल सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म डंकी काफी चर्चा में है। इस फिल्म में किंग खान डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ काम कर रहे हैं। अब खबर है कि डंकी का पहला टीजर शाहरुख खान के जन्मदिन 2 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। राजस्थान में सचिन पायलट के कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्योति खंडेलवाल और पंडित सुरेश मिश्र ने बीजेपी में शामिल होने के बाद आरोप लगाया है कि पायलट खेमे के नेताओं को कांग्रेस साइडलाइन कर रही है। अमेरिका ने ऐसे परमाणु बम की खोज की घोषणा की जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर गिराए गए बमों में से 24 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया है, साथ ही पहाड़ों पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना भी है।